तीसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे ये बॉम्बे का ब्राह्मण उसने बनाया। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये केरला के नंबूदरी ब्राह्मण ईएमएस नंबूदरी पार्टी ने बनाई। और पांचवी नेशनल पार्टी बंगाल की ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई। आज पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले 3.5% ब्राह्मणों की है। इन्हीं लोगों का राज है। आज कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है, नागना जाता है तो सापना का जाता है, सापना जाता है तो नागना काता है, नागना डस ले तो भी मरना तय है, सापना डस ले तो भी मरना तय है। वो ये जो हालात है, ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को जानना, इस परिस्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लोकतंत्र सारे दुनिया में चार पिलर पर खड़ा है। विधायिका, जहां लोग चुनकर जाते हैं भारत के संसद में, 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा था, जो आउट ऑफ 543 सीटों में 375। और 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच कहां से बनेगा? 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सरपंच चुनकर नहीं आ सकता तो गांव का सरपंच कैसे बनेगा? जो गांव का सरपंच नहीं बन सकता वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या ये ईमानदारी से संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए साथियों, कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये सारा का सारा मामला हुआ है। कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये सारे चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम के बारे में पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़ा और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरी केस में मेरे फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि सारे देश में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाकर 2019 का चुनाव होगा। ईवीएम मशीन में कैसे घोटाला होता है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। मैं इस बात को जानता हूं और इसके आधार पर इन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है और इस तरह से साथियों संसद पर इनका कब्जा। दूसरा है लोकतंत्र का पीलर कार्यपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, इनकी संख्या आज के तारीख में 79.2% यानी लगभग 100 में 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का प्रशासन पर, भारत के प्रशासन पर कब्जा है। जो एमएलए चुनकर आता है, जो एमपी चुनकर आता है, जो मंत्री चुनकर आता है वो 5 साल के लिए रहता है, जो आईएएस चुनकर आता है वो कम से कम 30 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक है। हमें मालूम होना चाहिए ये आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी 30-35 साल तक राज करता है, मिनट टू मिनट, अवज टू अवज, डे टू डे। हम लोगों को जो परेशानी होती है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को जो डे टू डे परेशानी होती है, मिनट टू मिनट परेशानी होती है, वो ये प्रशासन से होती है। हमारे लोग जब पुलिस चौकी में जाते हैं तो पुलिस चौकी में जाने के बाद एफआईआर तक नोंद नहीं होता, आजादी मिली। अरे किसम की आजादी है? इस देश में एक शहरी, एक सिटीजन का पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद नहीं होता, एफआईआर नोंद नहीं होता। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर नोंद करने के लिए
प्रशासन जिनके नियंत्रण में है उसकी वजह से हो रहा है। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है जुडिशियरी। 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा जुडिशियरी पर है और ये लोग वहां बैठकर संविधान के विरोध में फैसले देने का काम करते हैं। संविधान के विरोध में जाकर फैसले देते हैं और इसीलिए मैंने सारे देश भर में अभियान चलाया था बेलगाम होकर न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। यह अभियान भी हमने सारे देश भर में चलाया था और जुडिशियरी को यह चुनौती देकर कहा था कि अगर तुम में दम है तो हमें अरेस्ट करो। कोई अरेस्ट नहीं करता क्योंकि हम जानते हैं ये गांधी जी वो जेल में जाते जाते महान हो गए थे। अगर उन्होंने हमें जेल में डाला तो हम थोड़ी छोटे होंगे, हम भी महान हो जाएंगे। हम कोई चोरी चकारी करके थोड़ी जेल में जाने वाले, हम भी जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, संविधान के अमल के लिए जेल में जाने की बात कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी है। इसलिए साथियों ये जुडिशियरी जो है वो भी उनके कब्जे में है। चौथा पिलर है लोकतंत्र का, वो है मीडिया। मीडिया चार प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में। आप लोग मीडिया के बारे में जोर से आवाज कर रहे हो इसका मतलब मैं यही समझता हूं कि मुसलमानों को मीडिया के बारे में मेरे से ज्यादा ज्ञान है। किसी को भी चुनौती देकर कहता हूं